हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। NFSC 35 पेपर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है कि इक्वेशन है जहाँ पे टी की वैल्यू ए बी सी है, तो हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स आपके ए बी सी हो गए। ठीक है, अब इधर इसको सॉल्व करना है तो हमने एलसीएम ले लिया, एक्स के साथ आ जाएगा टी माइनस पी टी माइनस क्यू, दैट कैन बी रिटन एज टी पी प्लस क्यू टी प्लस पी क्यू। ओके, वाई के साथ आ जाएगा क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज टी स्क्वायर माइनस क्यू टी। Z के साथ आ जाएगा क्या, टी स्क्वायर माइनस पी टी इज इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा तो आ गया आपका टी क्यू माइनस पी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस पी क्यू टी। ठीक है, ठीक है, तो इन सबको ये जो है राइट साइड ले जाए तो टी क्यू आ गया, टी स्क्वायर का कोफिशियंट आपका बनेगा पी प्लस क्यू, यहाँ से x, x यहाँ से y, अच्छा ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर z और इधर p प्लस q, पहली बात तो ये हो गई। t का कॉफिशियंट देख लेते हैं, t का कॉफिशियंट इधर से आ रहा है pq, हाँ प्लस साइन के साथ, इधर से t का कॉफिशियंट आ जाएगा आपका xp, या हम इधर लेके लिखे तो xp प्लस q, और इधर से वाई क्यू और इधर से जेड पी। समझ में आ गई बात, ये टी का कोफिशियंट हो गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म यहां से बनेगा एक्स पी क्यू, इधर आके आ गया माइनस एक्स पी क्यू, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, तो नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके रूट्स क्या है, ए बी सी, तो सम ऑफ रूट आपका आ गया इसके बराबर, है ना। अब हमें यही पूछा गया ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू में रिलेशन। ओके, अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे तो पहला ऑप्शन आपका ये सही आ गया क्या, यहां से एक्स वाई प्लस जेड बिल्कुल आ गया। दूसरा ऑप्शन एक्स पूछा गया है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस प्लस माइनस एक्स पी क्यू होगा तो एक्स आ गया, ऐसे हम बाकी के ऑप्शन कर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड में है ये, तो इस पूरी कहानी को मैंने वन माइनस वन बाय थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको यहाँ दिख जाएगा पैटर्न दिख रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री, दैट इज दैट कैन बी रिटर्न एज थ्री बाय टू। नाउ फर्दर a माइनस बी, तो वन माइनस थ्री पावर इसका इस तो फोर, फिर वन प्लस थ्री पावर वन, ये लिखा हुआ है इधर क्या चल रहा है थ्री बाय टू। बात समझ में आ रही है, अब फिर से ऐसे इससे पहले वाला जो टर्म आएगा, सो दिस वैल्यू बिकम्स थ्री बाय टू, वन माइनस वन अपॉन में टू पावर थ्री पावर टू एन इंटू वन प्लस वन अपॉन में थ्री पावर टू एन, इसको मल्टीप्लाई किया तो थ्री बाई टू वन माइनस वन अपॉन में थ्री पावर टू पावर एन प्लस वन। अब एन क्या बोला गया है, एन अप्रोच इसकी लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ तक जाए, जीरो की तरफ, तो लिमिटिंग वैल्यू आ गई आपकी थ्री बाय टू, तो यही आपका एल हो गया, बस एल आ गया, बता दिया। क्वेश्चन नंबर थ्री, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल इन द इंटरवल माइनस टू टू टू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू। ठीक है, तो सब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो एफ ऑफ एक्स हो गया ए माइनस बी, और दूसरा हो गया ए प्लस बी, तो टू एक्स का बॉक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स। ठीक, तो हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स क्या होता है, x माइनस बॉक्स x, तो फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या हो जाएगा 2x, एंड दिस थिंग बिकम्स, इसको हमने लिख दिया किसको 2x को, x माइनस टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस टू टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ठीक, अब ये कहानी इसको कहीं भी दिक्कत नहीं है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है, इसको कहाँ दिक्कत है, जब x इंटी टू एक्स इंटीजर होगा, तो x माइनस टू से टू है
तो 2x हो गया माइनस 4 से 4। तो इसको कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, इंटीजर कौन कौन से, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 पर, 7 पॉइंट्स पे इसको दिक्कत हो सकती है। पर 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, नो डाउट, पर 0 पर ये वैल्यू 0 है, तो 0 इनटू समथिंग वो लिमिट क्या ले आएगा, 0। तो 0 के अलावा इन तीनों इन 6 पॉइंट्स पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ये समझते हो ना थ्योरम f इंटू g, यदि g आपका डिसकंटिन्यूअस है और f की वैल्यू उस पर 0 है तो f इंटू g आपका कंटिन्यूअस हो जाता है, वही लगाया है यहाँ भी, ठीक है। तो दिस वॉज दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। देखो 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द इक्वेशन 2 साइन एक्स माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, मॉड एक्स को हमने लेफ्ट साइड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, ठीक है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ओके। तो इसको सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स लिया, इसका मैं नेचर देख लेता हूं। तो सबसे पहले तो यदि एक्स आपका इन्फिनिटी जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और x यदि माइनस इन्फिनिटी गया तब भी ये माइनस इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करेगा, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस तो आपका हो गई होगा, तो ये कंफर्म है, इन्फिनिटी माइनस ग्राफ इधर से चालू होगा, इधर से इधर इधर खत्म होगा, बीच में क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि x ग्रेटर देन 0 हुआ तो f ऑफ x आपका हो जाएगा 2 साइन x माइनस x, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया 2 cos x माइनस 1। ये 0 कहाँ पर हो रहा है, हाफ पर, हाफ बोले तो पाई बाय 3, 60 डिग्री पे, पाई बाय 3 के आगे गया तो वैल्यू नेगेटिव, पीछे आया तो पॉजिटिव, तो मैक्सिमम ये देगा आपको पाई बाय 3 पर, और भी वैल्यू हो सकती है 2 पाई प्लस समथिंग करके, तो पाई बाय 3 पर जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एक्स की वो कितनी आ गई, 2√3/2 माइनस पाई बाय 3। तो ये कुछ वैल्यू हमने ले ली इसको अल्फा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई है ना। अब ये बीच में घूम फिर के जाए उससे हमें मतलब नहीं है, तो ये वैल्यू जो है मैक्सिमम पाई बाय 3 पर आ रहा है, वो वैल्यू किसके बराबर है, 2√3/2 माइनस पाई बाय 3 या √3 माइनस पाई बाय 3, ठीक, पाई बाय 3 में मैक्सिमम हो रहा है तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 वहां भी होगा, अरे क्यों भाई, पीरियोडिक फंक्शन है ना। पर ये कंफर्म हो गया है कि इससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, तो यदि आप अब इसको a के बराबर हम देखें, यदि a आपका इससे बड़ा y = a, यदि a इससे बड़ा हो गया तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन के लिए ए इससे छोटा चाहिए, ये कंफर्म, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, ए इससे बड़ा हो गया, इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन इफ ए इज इक्वल टू 0, बिल्कुल, क्योंकि एक्स एक्सिस कंटिन्यूअस तो हमने बोल ही दिया है। तो अब इधर मैं देखू तो दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और नीचे भी यदि देखू तो कम से कम दो जगह तो कट करेगा, यदि ए आपका निगेटिव हो गया तो दो जगह कट करेगा, मतलब कम से कम दो सॉल्यूशन आए, ये घूम फिर के भी जा सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सिर्फ दो, कम से कम दो तो आएंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, ओके क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स दिस अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ओके टू द ऑक्सिलरी सर्कल, चलो ठीक है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई ए बाय ई, यहां से आपने क्या किया ऑक्सिलरी सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, ये द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल पास थ्रू द करस्पॉन्डिंग फोकस ऑफ द एलिप्स, क्या ये हमें प्रूव करना है, तो मान लो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपकी ये है तो क्या ये फोकस से पास होगी क्या, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्कल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बात समझ में आ गई, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया ए बाई ई कॉमा कुछ टी, तो ए बाई ई कॉमा टी से इस पर सी ओ सी की इक्वेशन टी इज इक्वल टू 0, तो ए बाई ई एक्स प्लस वाई टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बात समझ में आ गई। अब मैं वाई 0 रखूं तो एक्स आपका हमेशा क्या आ रहा है ए ई के, मतलब ये ए ई कॉमा 0 से हमेशा पास करेगा, या ऐसे बोलो कि फैमिली ऑफ सर्कल है वेयर टी इज पैरामीटर, तो ए ई कॉमा 0 से पास कर रहा है तो यस उसके इस डायरेक्ट्री से करस्पॉन्डिंग फोकस से सीओसी पास होगी ही होगी, क्या बात समझ में आई, ठीक। नो ये ए पार्ट था, नो बी,
इफ टू टेंजेंट्स टू अ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू a देन देयर COC ऑलवेज पास थ्रू द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. इफ टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई इंटरसेक्ट ऑन द लाइन x इज इक्वल टू a, मतलब a कॉमा समथिंग t से आप COC टू टेंजेंट्स, हां COC ड्रॉ, ठीक है ड्रॉ करो, देन देयर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज ऑलवेज पास थ्रू द फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. तो ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, माइनस ए कॉमा जीरो. तो इस पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा वाई टी टू ए एक्स प्लस ए. तो ये भी फैमिली ऑफ लाइन है, वाई जीरो और एक्स कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए कॉमा जीरो से पास हो रहा है एंड दैट इज नथिंग बट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो ये भी सही है, सी ऑप्शन. If px, y such that it moves on the hyperbola, यदि hyperbola है तो पहले में क्या लिखा गया है कि point P की distance 3, 4 से, और दूसरे में बोला गया है point P की origin से distance k square plus 1 है. यदि यह hyperbola है तो SS1 then the number of possible integral values of k is equals to possible integral values. ठीक है, तो जो फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है हाइपरबोला में वो ये जो आपकी एक्सिस है इससे क्या होनी चाहिए ज्यादा, तो लेंथ क्या दे रखी है एक्सिस की के स्क्वायर प्लस वन. तो यदि मैं डिस्टेंस निकालू तो 3, 4 ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5. अरे समझ में आ रहा है, एस वन एस टू के बीच की डिस्टेंस वो लिखा गया है वहां पर, इक्वेशन लिखी गई है पी एस वन माइनस पी एस टू is equals to k square plus 1 है. P क्या है, x comma y, s1 s2 फोकाई हो गए. तो यदि हाइपरबोला है तो s1 s2 की डिस्टेंस इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 5 हो गया आपका, तो k square आ गया less than 4, तो k आ गया minus 4 से 4. तो the number of possible integral values of k is equals to, तो minus 4 से 4 नहीं, minus 2 से 2. माइनस टू से टू के बीच में इंटीजर कौन कौन से, माइनस वन जीरो और वन. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट टू द ऑफ द हाइपरबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन वेर एक्स इज 1, 2, 3 वी ए वन एंड ए टू रिस्पेक्टिवली देन. ओके, तो भाई ये पैराबोला आपका कुछ ऐसा है, कैसा ऐसा, यहाँ पर जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री हो गया, तो पॉइंट पी ले लिया हमने एक्स कॉमा वाई. तो पॉइंट एक्स कॉमा वाई नहीं, पैरामीटर में लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट यदि मैं टी लेता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन. तो सब कुछ कहानियाँ हम टी के टर्म्स में निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले तो वाई डैश हो गया आपका 2x, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 2t. ठीक, तो इक्वेशन ऑफ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन स्लोप 2t x माइनस टी. तो x को ये x इंटरसेप्ट आ गया आपका, x इंटरसेप्ट क्या होगा y जीरो, तो y जीरो रखा आपने तो यहां से आ गया माइनस टी स्क्वायर प्लस वन बाय 2t है ना, और इधर जाके t प्लस कर देंगे तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस वन बाय 2t, सो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन बाय 2t. तो ये पॉइंट आ गया टी स्क्वायर माइनस वन बाय 2t. नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस टी स्क्वायर प्लस वन इंटू स्लोप ऑफ इसका हो जाएगा माइनस वन बाय 2t, नॉर्मल का स्लोप x माइनस टी. तो यहां से भी x इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट अगेन जीरो, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स या 2t टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी इज इक्वल टू एक्स. तो इसको सॉल्व करें तो ये आ गया 2t क्यूब प्लस 2t tt 3t इज इक्वल्स टू एक्स. तो ये पॉइंट आपका आ गया y कोऑर्डिनेट जीरो है ना, x कोऑर्डिनेट आ गया 2t क्यूब प्लस 3t. अब तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ बेस, बेस क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 2t क्यूब प्लस 3t माइनस टी स्क्वायर माइनस वन बाय 2t इंटू हाइट क्या हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस वन. सो डेल्टा हो गया हाफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, इधर से एलसीएम लिया तो 4t पावर 4
प्लस 60 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 5t² माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2t, और ये 2 मिलके 40 हो गया। ठीक है, इसके फैक्टर दिख रहे हैं टी स्क्वायर प्लस वन, उसके फैक्टर है एक तो टी स्क्वायर प्लस वन है और दूसरा क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय 40। तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 40 स्क्वायर प्लस वन बाय 40। ठीक, यदि हम डेल्टा देखें तो टी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है आपका टी प्लस वन बाय 40, टी प्लस वन बाय 40। ठीक है, मैं यदि टी वन से टू, वन से थ्री में यदि बात करूं, एक्स जो है आपका, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट को ही हमने टी लिया था, तो एक्स आपका वन से थ्री है तो टी भी वन से थ्री हो जाएगा। वन से थ्री में ये इसका ये वैल्यू बढ़ेगी आपकी, साथ ही साथ ये भी बढ़ेगा। वन से थ्री में देखूं तो ये वैल्यू भी आपकी बढ़ रही है, बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल ये वैल्यू आपकी बढ़ेगी, तो छोटे पे छोटा बड़े पे बड़ा, तो डेल्टा जो मिनिमम मिलेगा वो आपका वन पे मिलेगा। तो वन पर कितना हो गया 4 है ना, इनटू, और ये हो गया 5/4, दैट इज 5। आप यदि नहीं समझ में आता तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, इसका डेल्टा डेस क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा मतलब इस इंटरवल में, टी बिलोंग्स टू 1-3 में। और डेल्टा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा मैक्सिमम आपका आ जाएगा कितने पे, 3 पे, 3 पे हो गया 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 प्लस 1/12, जो भी आएगा आप निकाल लो, बात समझ में आ गई? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। तो A1 A2 आ गया आपका, ये A1 बोला है A2 बोला है, तो बस आप बाकी क्वेश्चन अब आंसर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ कंसाइनमेंट ऑफ 15 रिकॉर्ड प्लेयर्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव, आउट ऑफ 15 4 आर डिफेक्टिव, सो रेस्ट 11 आर नॉन डिफेक्टिव। द रिकॉर्ड प्लेयर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम 1/1 एंड एग्जामिन, द वन एग्जामिन आर नॉट पुट बैक, मतलब एक निकाला तो वापस नहीं रख रहे। देन पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 डिफेक्टिव इन द एग्जामिनेशन ऑफ 8 रिकॉर्ड प्लेयर्स, तो 8 में से 3 डिफेक्टिव आपको बताना है। तो ठीक है भाई, टोटल कितने आप एग्जामिन कर रहे हो, 8। तो सबसे पहले तो 15 में से मैं 8 कोई भी एग्जामिन कर सकता हूं, 15 में से 8 टोटल रिकॉर्ड प्लेयर्स जो है लेने के तरीके, 15 में से 8, 15 से 8, मतलब 15 में से आपका 8 ऑब्जेक्ट एग्जामिन करना है। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि 3 डिफेक्टिव हो, तो आपके पास टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 4, तो उन 4 में से मैंने 3 डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लिए, और बाकी बचे कितने, 11, 11 नॉन डिफेक्टिव में से हमने कितने ले लिए, 8 में से 3 तो डिफेक्टिव चले गए, बचे कितने और कितने एग्जामिन करना है, 5, तो वो 5 क्या हो, नॉन डिफेक्टिव। ये आ गया आपका सिंपली, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ बी और सी में देखा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट 9th वन एग्जामिन इज द लास्ट डिफेक्टिव, 9th में जो आए, तो मतलब 8 में, पहले 8 में 3 डिफेक्टिव आ जाए और जो 9th वन है वो आपका कौन सा हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, तो भी काम चल जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपने ये लिखी हुई है कि 4 में से 3 डिफेक्टिव ले लिए, बाकी जो 5 है वो 11 में से सेलेक्ट कर लिए, टोटल तरीका तो यही था। अब ये होने के बाद आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड, नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है ठीक है, या रिकॉर्ड प्लेयर्स है, तो 8 चले गए, बच्चे कितने, 7, अरे 15 में से 8 तो आपने एग्जामिन कर लिए, बच्चे कितने, 7, उन 7 में एक डिफेक्टिव है और बाकी 6 नॉन डिफेक्टिव, क्यों, क्योंकि 5 नॉन डिफेक्टिव चले गए, तो उसमें से 9th वाला डिफेक्टिव आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली 1/7। क्या बात समझ में आई, आ गई? नाउ सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी द 9th एग्जाम रिकॉर्ड प्लेयर्स डिफेक्टिव गिवन दैट देयर वर 3 डिफेक्टिव्स इन द फर्स्ट 8 प्लेयर्स एग्जामिन्ड इज 1/7, बिल्कुल, वो उस समय क्या हो जाएगा सी पार्ट में कि फर्स्ट 8 में 3 डिफेक्टिव है और जो 9th वन आए वो क्या आ जाए आपका डिफेक्टिव, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 3 डिफेक्टिव हो जाए और 9th वन जो है आपका डिफेक्टिव हो जाए अपॉन में
एट में से तीन डिफेक्टिव हो जाए, ये समझ में आ रहा है? तो ये प्रोबेबिलिटी नीचे और ये वाला ऊपर, तो डिफरेंट आप देखो तो वो कितना आ गया, 1/7 कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी 9th पर एग्जाम इज लास्ट डिफेक्टिव, तो डी तो गलत हो गया क्यों? अच्छा डी और बी में, डी और बी एक ही है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो, तो डी और बी में से एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है? सी तो सही है ना। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में देखें हम, कंसीडर द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एक्स वाई जेड। ओके एट्थ में देखो, साइन 3 थीटा एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा एक्स प्लस 4 वाई प्लस 3 जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो यदि ऐसा है तो उसका जो डेल्टा होगा, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ साइन 3 थीटा माइनस 1 1, कॉस 2 थीटा 4 3, 2 7 7 शुड बी 0। तो साइन 3 थीटा का कॉफिशियंट आ गया 28 में से 21 गया 7, सही है? हाँ, माइनस कॉस 2 थीटा के साथ आ जाएगा माइनस 7 माइनस 7, तो माइनस 14, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 14, और 2 के साथ चला जाएगा माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 तो पहले कॉमन निकाल के गायब कर दिया, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। साइन 3 थीटा को लिखा हमने 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा इज इक्वल टू 2, 1 माइनस को 2 कॉस, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 sin²θ, ठीक है, सही है ना? तो एक साइन थीटा तो कॉमन आ गया, कैंसिल मत कर देना, उसके बाद बचेगा 3 माइनस 4, साइन थीटा को एक मिनट के लिए टी ले लिया, तो टी स्क्वायर, और इधर बचेगा 4t, सही है? एक साइन थीटा चला गया, तो 4t² प्लस 4t - 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर है क्या? बिल्कुल है, 4t² इज इक्वल टू 60 - 2t - 3। तो यहाँ से आ गया, 2t कॉमन निकाला, तो 2t + 3 - 2t + 3, तो यहाँ से इसके फैक्टर आ गए, t इज इक्वल टू -3/2 और हाफ, -3/2 तो नहीं हो सकता, तो t आ गया हाफ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड हाफ। अब हमसे इसने पूछा क्या है वो देख लो, कि थीटा क्या क्या होगा, ठीक है भाई? तो थीटा 0 कब होगा, एन पाई, मतलब साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा एन पाई हो, और दूसरा एन पाई प्लस माइनस 1/n, हाफ कब होता है, पाई बाय 6/30°, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए और बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 दोनों एक साथ, लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल वेयर ए इज द ओरिजिन एंड बी एंड सी हैव द पोजिशन वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली, पॉइंट्स एम एन एन पी आर टेकन ऑन द साइड्स। ओके, एक बार डायग्राम बना लो तो और चीजें समझ में आ जाएगी। ए आपका ओरिजिन है, बी सी इसका पोजिशन वेक्टर, बी वेक्टर इसका सी वेक्टर, पॉइंट्स एम एन पी आर टेकन ऑन द साइड्स ए बी, बी सी पर एन और सी ए पर पी, सच दैट एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज अल्फा। ओके, एम अपॉन में ए बी इज अल्फा इज टू 1, मतलब हम बोले कि ए जो है एम और बी को अल्फा इज टू 1, ये एक्सटर्नल रेशो हो गया, तो एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एम जो है ए बी को अल्फा इज टू 1 माइनस अल्फा में इंटरनली डिवाइड करेगा, एक ही बात है। बी एन अपॉन में एन सी अल्फा, तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा, और सी पी
अपॉन में सी है तो ये अल्फा, तो ये वन माइनस अल्फा। समझ में आ गया? तो सारे पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अल्फा इज रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? पोजिशन वेक्टर ऑफ एन पी। अच्छा, तो सबसे पहले तो एम एन पी निकाल लेते हैं हम। तो एम एन पी आपका एम सिंपली आ जाएगा क्या, ये तो ओरिजिन हो गया, तो अल्फा बी वेक्टर, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, दोनों का सम वन, एन हो जाएगा आपका, नहीं सी पी निकाल लेते, पी हो जाएगा वन माइनस अल्फा सी वेक्टर। एन जो होगा वो होगा आपका अल्फा टाइम्स सी वेक्टर प्लस वन माइनस अल्फा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन सही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी सही है, सी ए एन बी पी सी एम, ए एन बी पी, चलो कर लो, एन वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर प्लस सी एम वेक्टर का सम पूछा गया है आपसे, एन वेक्टर बी पी वेक्टर। तो एन वेक्टर आपका हो जाएगा, एन का पोजीशन अल्फा सी वेक्टर प्लस वन माइनस अल्फा बी वेक्टर प्लस, ये आपका एन वेक्टर हो, बी पी वेक्टर बी और पी, पी का पोजीशन वेक्टर ये है, तो वन माइनस अल्फा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, फिर सी एम, सी और एम, तो एम का पोजीशन अल्फा बी वेक्टर माइनस सी, सो दिस इज इक्वल्स टू सी वेक्टर का कोफिशिएंट देखूं मैं तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, वन सी वेक्टर गायब हो गया, बी वेक्टर का देखे हम तो वन माइनस वन गायब हो गया, तो ये आपका आ गया कि सब कुछ कैंसिल हो रहा है तो जीरो के बराबर आ गया भाई, नल वेक्टर दैट इज। ठीक है, नाउ ये तो नाइन्थ हो गया आपका। टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? एरिया ऑफ द ट्रेंगल इंक्लोज बाय, ओके ठीक है, ए एन बी पी सी एम, एरिया ऑफ द ट्रेंगल इंक्लोज बाय ए एन बी पी सी एम। ठीक है, तो ए एन हम निकाल चुके हैं, बी पी निकाल चुके हैं, सी एम निकाल चुके हैं, तो एरिया हो जाएगा क्या, हाफ ऑफ दो वेक्टर का क्रॉस, दो साइड कोई सी भी ले लो, ये साइड्स ऑफ ट्रेंगल है तो दो साइड्स कोई सी भी ले ले, हम कौन सा ले ले, ये दोनों ले लो या नीचे वाला ले लो, जो भी लेना चाहो, वन माइनस अल्फा सी वेक्टर, मैंने बी पी क्रॉस सी एम कर दिया है ना, थोड़ा कैलकुलेशन में बच सकते हैं, अल्फा वी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का मॉड, सो डेल्टा हो गया हाफ ऑफ बी क्रॉस सी, आपको नहीं दे रखा है, अच्छा उसी के टर्म्स में आंसर भी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी अल्फा के साथ वन माइनस अल्फा सी क्रॉस बी, ओके बी क्रॉस बी जीरो, सी क्रॉस सी जीरो, और इधर हो जाएगा प्लस बी क्रॉस सी का मॉड, तो डेल्टा हो गया हाफ ऑफ, यहां से मैंने सी क्रॉस बी कॉमन निकाल लिया, तो सी क्रॉस बी कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा, या बी क्रॉस सी कॉमन निकालो, बी क्रॉस सी कॉमन निकाला तो यहां क्या बचा वन, और यहां बी क्रॉस सी यदि आपने निकाला तो माइनस छूट जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, समझ में आई बात, तो वन बाय टू बी क्रॉस सी, क्योंकि सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी कैसे लिखेंगे, माइनस टाइम्स बी क्रॉस सी, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस वन, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल फॉर्म बाय ए एन वेक्टर बी पी वेक्टर एंड सी एम वेक्टर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड ऑप्शन, और इसकी लिस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, यहां से आप देख सकते हो का मॉड, ये तो पॉजिटिव है, ये है अल्फा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3/4, तो मिनिमम वैल्यू कहां देगा, अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ पर, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बात समझ लो, ओके नाउ पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, देखो तीन सर्कल दे रखे हैं आपको, सी वन सी, उसकी रेडियस है आर वन आर टू, आर वन छोटा है
touches each other extension is shown and are their direct common tangent. Points of intersection of these lines is B. पूरा डायग्राम में दे रखा है डी ए फॉर द पॉइंट ऑफ ओके द रिलेशन बिटवीन आर वन आर टू आर थ्री पहला तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एक साथ चलेगा, तीन सर्कल है आपके पास जो तीनों आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम हो सकता है कि सुंदर ना दिखे पर कोशिश पूरी करी गई है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है, इसको D बोला गया है, इसको E बोला गया है, इसको F बोला गया है। ठीक है, इसके सेंटर्स है C1 C2 C3, रेडियस R1 R2 R3। तो R1 R2 R3 में रिलेशन बताना है। ठीक है भाई, तो हमने क्या, अच्छा इनके जो सेंटर्स को मैं ज्वाइन करूं तो वो एक ही लाइन पर आएंगे। L1 L2 इसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ओके, तो यहां से मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, PD जो है इसको मैंने कुछ मान लिया T। क्या PD पूछा गया? पहले तो हमें R1, R2, R3 में रिलेशन पूछा गया है और उसके बाद सेकेंड में PD भी पूछा गया है, तो उसको हमने ले लिया T। ठीक है, तो हम जानते हैं इसकी रेडियस कितनी है R1, ये कितना हो गया R2, ये कितना हो गया R3। तो सबसे पहले तो जो C1 C2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये हमें पता है क्या कितनी होगी? ये इसकी रेडियस, इसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस का सम। अब मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, कहां से? यहां से, किस पर? इस पर। है ना, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट, ये R2 माइनस R1। तो ये जो है ये डिस्टेंस कितनी होगी, वही DE के बराबर होगी। तो डी आपका हो जाएगा किसके बराबर, अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल, पाइथागोरस से माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो 2R1 R2 प्लस 2R1 R2 4R1 R2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स R1 R2, वो बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो डी ये आ गया, सिमिलरली EF आपका आ जाएगा 2 टाइम्स R2 R3। क्या इसमें कोई दिक्कत? 2R1 R2 माइनस 2R1 R2 4R1 R2, टू टू बाहर आ गया। ठीक, ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैं देखूँ ये एंगल कितना है आपका, थीटा है मान लो। तो ट्रेंगल PDC1, एंगल PDC1, एंगल PEC2, एंगल PFC3, ये सारे के सारे सिमिलर ट्रेंगल है। कौन कौन से ट्रेंगल? PDC1 PEC2 सिमिलर टू ट्रेंगल, किसके सिमिलर है? ट्रेंगल PFC3। तो वहां से R1 अपॉन में PD, या फिर हम बोले PD अपॉन में, अरे मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सब बराबर होंगे। तो T अपॉन में R1 इज इक्वल्स टू P कितना हो जाएगा? T प्लस D, अरे PD प्लस D, और D हम निकाल चुके हैं, तो T प्लस ये 2R1 R2 अपॉन में किसके बराबर होगा? R2 के बराबर। सिमिलरली T प्लस 2R2 R3, मतलब यहां से PF जो होगा वो क्या होगा? T प्लस ये और ये, अच्छा 2R1 R2 प्लस 2R2 R3 अपॉन में इसकी रेडियस कितनी है? R3। आगे बात समझ रहे? तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो यहां से मैं देखूं तो सबसे पहले तो TR2 इज इक्वल टू TR1 प्लस 2 टाइम्स
आर वन अंडर रूट आर वन आर टू। तो यहाँ से टी सीधा निकल के आ गया पहले, तो क्या आ गया वो टू आर वन आर वन आर टू का अंडर रूट डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन, जो कि पीडी आ गया, जो कि आपका पीडी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, आर वन पावर थ्री बाय टू, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पहले आ गया ए। अब हमें जो निकालना है रिलेशन आर वन आर टू, तो टी हमें हटाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, टी की जो वैल्यू आई है किसी एक जगह उठा के डाल दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में देखें हम, तो टी अपॉन में क्या है आर वन इज इक्वल्स टू, यहां पे टू ये बाहर है ना, यहां पर जो दे रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दू इन दोनों से, तो वो हो जाएगा टी आर थ्री, टी आर थ्री माइनस टी आर वन, या ऐसे बोले हम टी आर थ्री माइनस आर वन हो गया, और आर वन जो है पूरा इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो अंडर रूट, तो आर वन के साथ इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, टू अंडर रूट आर टू, और इधर आर वन के साथ क्या जाएगा अंडर रूट आर वन प्लस अंडर रूट आर, और टी की वैल्यू हमें पता है ही, टी की वैल्यू रख दो, तो टू आर वन अंडर रूट आर वन आर टू डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन, और ये तो चल ही रहा था आर थ्री माइनस आर वन, इधर क्या था ये टू आर टू अंडर रूट आर टू, इधर आर वन, इधर अंडर रूट आर वन प्लस अंडर रूट आर थ्री, तो कुछ कुछ गायब हो रहा है क्या, पहले तो ये आर वन गायब हो गया, ये टू गायब हो गया, और ये टू अंडर रूट आर टू गायब हो जाएगा इससे, तो ये कहानी आ जाएगी अंडर रूट आर वन अब में आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन, और इधर क्या क्या बचा टू भी कैंसिल हो गया था, यहाँ मैंने रैशनलाइज किया तो ऊपर हो जाएगा आर थ्री माइनस आर वन और नीचे हो जाएगा अंडर रूट आर थ्री माइनस अंडर रूट आर वन, तो ये भी गायब हो गया, आर थ्री आर वन बराबर नहीं है, इसको इधर लाके स्क्वायरिंग कर दी, तो आर वन के साथ आर थ्री प्लस आर वन माइनस टू आर वन आर थ्री, स्क्वायरिंग करने के बाद ये आया, इधर आ गया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू, तो आर वन स्क्वायर गायब हो जाएगा, आर वन आर थ्री माइनस टू आर वन अंडर रूट आर वन आर थ्री इज इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू, इसको इधर लाऊं मैं तो आर वन आर थ्री माइनस आर टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कहानी उधर गई, तो टू आर वन कॉमन आया, अंदर क्या बचा अंडर रूट आर वन आर थ्री माइनस आर टू, इसके फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट आर वन आर थ्री प्लस आर टू अंडर रूट आर वन आर थ्री माइनस आर टू इज इक्वल्स टू टू आर वन अंडर रूट आर वन आर थ्री माइनस आर टू। तो यहां से यह कहानी आ गई कि एक तो ये फैक्टर जीरो कैंसिल मत कर देना, तो आर टू आपका आ गया अंडर रूट आर वन आर थ्री के बराबर, एक तो ये आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया टू आर वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर वन आर थ्री प्लस आर टू, तो ये आपका आर वन जो है इनके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आर वन जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कहानी आपकी आर वन से ज़्यादा होगी, ये भी आर वन से ज़्यादा है, तो ये पूरी कहानी टू आर वन से ज़्यादा क्या हो गया, ये एक मिनट, ये वैल्यू आर वन से ज़्यादा, ये वैल्यू आर वन से ज़्यादा, तो आर वन यदि हम देखें तो समथिंग डिवाइडेड बाई टू, एक मिनट, आर वन आर थ्री यदि हम बात करें तो ये आर टू से ज़्यादा, तो पूरी कहानी आर टू से ज़्यादा हो रही है, तो पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा केस आ गया आपका ये वाला आर टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर वन आर थ्री, आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13।
ओके क्वेश्चन नंबर 13, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 टू पाई क्लोज सच दैट एफ ऑफ पाई इज 3 एन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ 2x इनटू साइन 2x और एफ डैश 2x साइन 2x डीएक्स हमने इंटीग्रेशन ब्रेक अलग अलग कर दिया ठीक है इज इक्वल्स टू 7 देन फाइंड एफ ऑफ 0 एंड दैट इज ए बी ओके एफ ऑफ 0 निकालना है तो यहां हमने इसको किया इंटीग्रेट इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 2x बाय 2 एफ ऑफ 2x लिमिट है 0 से पाई बाय 2 माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 0 से पाई बाय 2 इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स एफ डैश 2x और इसका इंटीग्रेशन था माइनस कॉस 2x बाय 2 तो ये 2 2 कैंसिल और ये माइनस इधर आ गया ठीक है सब कुछ मैं यही कर रहा हूँ प्लस 0 से पाई बाय 2 यहाँ पर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट इसको करेंगे इंटीग्रेट तो इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ 2x बाय 2 ठीक है 0 से पाई माइनस इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन कॉस 2x इंटू 2 तो 2 2 कैंसिल हो गया 0 से पाई बाय इसको इंटीग्रेट किया हमने इसको और इसको डिफरेंशिएट ठीक है अच्छा यहां अरे वो माइनस का साइन यहां पर गड़बड़ी करी ना हमने कि इसको क्या किया था इंटीग्रेट तो उसका माइनस आ गया अब फॉर्मूले का माइनस और इसका ये जो माइनस आया माइनस माइनस प्लस तो ये इंटीग्रेशन आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू किसके बराबर 7 के बराबर तो पाई बाय 2 रखा पाई बाय 2 पर ही कितना हो गया माइनस पाई समझ में आ गई बात तो यहां पर माइनस हाफ कॉमन निकाल लिया तो ये पाई बाय 2 पे माइनस एफ ऑफ पाई हो गया 0 पर 0 तो एफ ऑफ 0 माइनस के साथ उधर प्लस हाफ फिर से कॉमन आया पाई पर ये हो गया सॉरी पाई नहीं पाई बाय 2 पर तो पाई बाय 2 पर ये 0 और 0 पर भी 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 7 तो ये हो गया एफ ऑफ पाई प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 14 और एफ ऑफ पाई दे रखा है 3 तो एफ ऑफ 0 आ गया आपका 11 नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 में देखो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स ओके 14 में हाँ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस इज पाई माइनस के देन फाइंड इंटीग्रल वैल्यू इंटीग्रल पार्ट ऑफ के अच्छा ठीक है आपके पास जो कर्व है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और दूसरा है मॉड एक्स या इसको हम लिखे वाई स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर इसको मैं मॉड वाई का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ तो ये जो भी ग्राफ आएगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आएगा पहली बात और यदि मैं इसकी बात करूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 तो ये एक पैराबोला है ठीक है वो इधर की तरफ 0 पर कितना हो रहा है 1 मतलब y में 0 रखूँ तो x क्या हो जाएगा 1 तो 1 कॉमा 0 और दूसरी बात कि यदि x 0 हो गया तो y भी प्लस माइनस 1 हो रहा है तो जो आपका ग्राफ बनेगा इसका इतने पार्ट का ग्राफ तो ये हो गया मॉड लगा है तो सिमेट्रिक होगा तो उसका पार्ट ये बनेगा तो आपसे इसमें पूछा गया है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स तो ये वाला एरिया है ये वाला एरिया पूछा है आपसे तो इतने पार्ट का मैं एरिया निकाल लेता हूँ ठीक है तो इतने पार्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ये एरिया कितना होगा इस सर्कल यूनिट सर्कल इसका एरिया पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई तो इतना पूरा ये पूरा एरिया कितना होगा ये पूरा एरिया कितना होगा पाई माइनस सॉरी पाई बाय 4 है ना पाई बाय 4 भाई ये पाई बाय 4 होगा है ना उसमें से हमें कौन सा एरिया माइनस करना है ये वाला तो इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से 1 है ना 0 से 1 क्या बोला कि एरिया बाउंडेड बाय द अरे यार एक मिनट एरिया बाउंडेड बाय कर्व ये थोड़ी ना होगा
दोनों भी दोनों कर्व के, एक मिनट, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सेस है आपकी, पूरा भूल जाओ इसको। तो आपने जो ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसा बनना था, ये बनना था। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व ये वाला पार्ट होगा, हमने गलत समझ लिया इसको। तो वही कहानी, इसमें भी सिमेट्रिक एरिया, सिमेट्री है तो फोर टाइम्स ये जो एरिया है ये निकाल लेते हैं, तो इसको फोर टाइम्स कर देंगे। तो ये वाले पार्ट का एरिया सर्कल के पाई बाय फोर माइनस ये वाला एरिया कौन सा, ये जो बनेगा ये, तो ये एरिया हो जाएगा जीरो से वन, इंटीग्रेट कर दें और कर्व आपका कौन सा हो जाएगा इस रीजन में पर्टिकुलर, वन माइनस एक्स, ये वन माइनस एक्स कर्व डी एक्स। बात समझ में आ गई? तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स पाई बाय फोर माइनस, इसका इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स पावर थ्री बाय टू अपॉन में थ्री बाय टू और माइनस एक्स के कारण प्लस आएगा, ठीक है, और लिमिट है जीरो से वन। सो दिस इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स पाई, वन पर जीरो, जीरो पर क्या होगा वो माइनस फोर टाइम्स, तो माइनस एट बाय थ्री, पाई माइनस एट बाय थ्री इज योर रिक्वायर्ड एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, जेड इज नॉन जीरो, टू प्लस कॉस इज इक्वल टू थ्री बाय जेड इज इक्वल टू टू प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड टू जेड प्लस जेड बार माइनस मॉड जेड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ओके। तो पहले तो मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया, मॉड का स्क्वायर, तो 9 बाय मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू 9 बाय मॉड जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 4 प्लस कॉस कर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। अब जेड और जेड बार चाहिए तो 3 बाय जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसी का कॉन्जुगेट, 3 का कॉन्जुगेट 3 होगा, उनको ऐड किया तो रियल पार्ट का 2 टाइम्स दैट इज 4 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 बाय मॉड जेड का स्क्वायर माइनस 6 अपॉन में माइनस 6 जेड प्लस जेड बार अपॉन में जेड इंटू जेड बार क्या हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 9, अच्छा 3 से जारी कहानी, तो 3 बचेगा इधर, इधर क्या बचेगा 2 टाइम्स जेड प्लस जेड बार और इधर बचेगा माइनस मॉड जेड का स्क्वायर। ये कहानी को उधर पहुंचा तो यही हमसे पूछा गया है, सो दिस इज इक्वल्स टू 3, आंसर इज 3, ओके। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 16 में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स x1 x2 x3 4 5 6 एंड 7 वेयर हैविंग द प्रॉपर्टी x1 लेस देन और इक्वल टू x2 लेस देन x3 लेस देन x4 लेस देन इक्वल टू x5 x6 और x7, ये बोला है इक्वलिटी x1 x2 के बीच में और x4 x5 के बीच में इज NCR देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ NCR पूछा है ना 16 का कौन सा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ NCR, ठीक। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा केस वन कि मान लो सारे के सारे डिस्टिंग है तो क्या लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू तो लेस देन भी हो सकता है ये वाला केस हो जाए और क्या हो सकता है कि ये एक इक्वलिटी लगा दूं मैं यहां पर इक्वलिटी लगा दूं है ना और क्या हो सकता है कि यहां इक्वलिटी लग जाए यहां इनइक्वलिटी रहे x4 और x5 में इक्वलिटी लग जाए और क्या हो सकता है दोनों जगह इक्वलिटी लग जाए यही हो सकता है इसके अलावा और कोई केस है क्या बात समझ में आ गई भाई लेस देन और इक्वल टू लेस देन इक्वल टू यहां इक्वलिटी या इनइक्वलिटी तो दो दो केस हो गए इधर भी इक्वलिटी और इनइक्वलिटी ठीक है तो अब यहां पर आपको 7 डिजिट नंबर चाहिए
सबसे छोटा नंबर यहाँ लिखोगे तो सबसे, मान लो जीरो में सेलेक्ट कर लो, आपके पास जो डिजिट्स अवेलेबल है वो 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक है, ठीक है? तो मैं जीरो सेलेक्ट कर लूँ, यदि जीरो सेलेक्ट करता हूँ तो सबसे छोटा नंबर X1 होगा, तो पहले जीरो आ जाएगा, तो 7 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो आपको जो सिलेक्शन करना है वो 1 से लेकर 9 डिजिट है उनमें करना है। तो आपको कितने चाहिए? 60 डिजिट। तो 9 में से 60 डिजिट मैंने सेलेक्ट कर लिए, और अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा क्योंकि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इस ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बात समझ में आ गई? 97। यहाँ पर पहला और दूसरा डिजिट सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और दूसरा डिजिट आपका सेम हो गया तो यहाँ भी जीरो नहीं आ सकता। तो मान लो आपके पास जो डिजिट का सिलेक्शन हो गया 1 से 6 तक हुआ, तो 1 और 1 ये हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 डिजिट सेलेक्ट करना है और एक डिजिट आपका रिपीट करेगा। यहाँ भी वही कहानी, 6 डिजिट रिपीट करेंगे और जो चौथे नंबर का डिजिट होगा, मान लो डिजिट्स आपके आगे 3, 4, 5, 6, 7, 9 ऐसा आ गया, तो 3 लेस देन 4 लेस देन 5 और 5 आपका 2 बार आएगा, देन ये कहानी चलेगी। नहीं, 6 रिपीट करेगा आपका, तो 6 दो बार लिख दिया, तो यहाँ भी वही 9 से 6 अरेंजमेंट सबका एक ही होगा। यहाँ पर 2 डिजिट सेम हो गए, तो आपको सिर्फ सिलेक्शन 5 डिजिट का करना है। 5 डिजिट का सिलेक्शन जैसे आपने किया, मान लो 1, 4, 5, 7, 9, ये 5 डिजिट का किया, तो पहला और दूसरा इक्वल हो जाएगा, तो 1, 1 दो बार आएगा, ग्रेटर देन 5 और 5 बराबर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब ये नंबर बन जाएगा 1, 1, 4, 5, 5, 7, 9 ऐसा। तो इन सब का सम निकाल लो, तो 9C7 प्लस 9C6 प्लस 9C6 प्लस 9C5, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10C7, ये हो जाएगा 10C6 और दिस इज इक्वल्स टू 11C7। NCR आपका आ गया, जो भी पूछा है आप बता दो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, ठीक। द एंगल बिटवीन द लाइन्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस विच आर फार्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन इज थीटा इफ टेन थीटा इज पी वाई क्यू। ओके, तो फैमिली ऑफ लाइन्स है x+3y-7 लैम्डा टाइम्स x+y-3 इज इक्वल टू 0। दूसरी फैमिली है 3x+y-7 प्लस म्यू टाइम्स x+y-3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये दोनों जो फैमिली है वो किस पॉइंट से पास होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डिफरेंस कर लूँ मैं तो 2y इज इक्वल टू 4, y हो गया 2, तो y 2 हो गया, तो x आ गया 1, 1, 2। इन दोनों जो फैमिली हैं, तो इस फैमिली में जो ओरिजिन से सबसे दूर डिस्टेंस पे होगा वो आपकी लाइन कौन सी होगी जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाए 0 से, मतलब ये जो पॉइंट है 1, 2 और 0 ये उस लाइन के परपेंडिकुलर हो, जानते हैं ना हम, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस √5 ही हो सकती है। तो इस लाइन, इसका स्लोप कितना है इसका, इस लाइन का 2, तो इसका स्लोप हो जाएगा -1/2 और 1, 2 से पास हो रही है तो इसका स्लोप हो गया -1/2। हमें स्लोप से ही मतलब है, बस लाइन की जरूरत नहीं है। ये दोनों जो लाइन है इसको डिफरेंस ले लूँ तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x-कोऑर्डिनेट 2 और y-कोऑर्डिनेट कितना 1, ठीक। तो ये भी यदि ओरिजिन से दूर है तो वो लाइन कौन सी होगी जिसको ओरिजिन और इसको मैं ज्वाइन करूँ तो वो इसके परपेंडिकुलर हो, तो इसका स्लोप कितना हो गया 1/2, तो इसका स्लोप हो जाएगा -2। तो एंगल बिटवीन दिस लाइन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू -1 -2 m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 - m2 दोनों का प्रोडक्ट 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 3/4, सही है? तो टेन थीटा आपका आ गया, एक्यूट एंगल आ गया 3/4, ठीक है? नाउ लास्ट पार्ट, अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज 18। ए एन बिलोंग्स टू नेशनल नंबर बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2n-1 × 2n-1 सच दैट ए आई जे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे इज 0, ठीक है? आई नॉट इक्वल टू जे एंड फॉर ए आई जे इट इज एन स्क्वायर प्लस 1 - 2n प्लस आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे डिनोट द एलिमेंट। ओके, लेट टी एन इज समथिंग -1 पावर एन
सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन, मतलब ए आई जे का सम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन टी एन, वन से लेके 102 अपॉन में ये। अच्छा तो समेशन ऑफ ए आई जे जो होगा वो आपका, यदि आई और जे बराबर नहीं हुआ तो वो तो जीरो हो गया, और आई और जे यदि बराबर हो गया तो इसके बराबर हो गया, तो ये आपका हो गया एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सम हो जाएगा आपका जीरो से लेके आई, आई कहां से कहां तक जाएगा, वन से लेके ऑर्डर क्या है इसका, टू एन माइनस वन तक। ठीक, तो यहां पे सम हो गया एन माइनस वन स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हुआ समेशन के लिए, वन अब इनटू वन, तो समेशन ऑफ वन क्या हो जाएगा, वन से लेके टू एन माइनस वन तक, तो टू एन माइनस वन, और समेशन ऑफ आई एन एन प्लस वन बाय टू, तो एन एन माइनस वन हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे ये तो इस बाहर आ गया, तो वन 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 कितनी बार लिख रहे हो, टू एन माइनस वन टाइम्स, और इस समेशन ऑफ आई क्या हो जाएगा, एन एन प्लस वन बाय टू, एन क्या हो गया, टू एन माइनस वन, मतलब कैपिटल एन ले लो, तो एन एन प्लस वन बाय टू, तो टू एन माइनस टू बनेगा, टू से डिवाइड किया तो एन माइनस वन बचा। ठीक है, तो आपका आ गया टी एन, ये माइनस वन की पावर एन, समेशन ऑफ ए आई जे हम निकाल चुके हैं, तो इसको यदि नहीं देखें हम, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक, तो टी एन हो गया माइनस वन की पावर एन, टू एन क्यूब, ठीक, टू एन क्यूब माइनस फोर एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, तो चल ही रहा है, तो माइनस वन की पावर एन ये हो गया टू एन क्यूब माइनस फोर एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस, तो माइनस थ्री एन स्क्वायर, टू एन टू एन माइनस एन, तो प्लस थ्री एन, और ये माइनस वन। ठीक, इस टू एन क्यूब को मैंने लिखा एन क्यूब प्लस एन क्यूब, सो दिस इज नथिंग बट एन माइनस वन का होल क्यूब, तो टी एन हो गया माइनस वन की पावर एन एन क्यूब, और ये लिखा हुआ है एन माइनस वन का क्यूब। अब इसमें समेशन लगाना है आपको, इसमें समेशन लगाना है। ठीक है, तो समेशन ऑफ टी एन हो गया एन वन से लेके कहां तक जा रहा है, 102 तक, तो माइनस वन पावर एन एन क्यूब, और दूसरा जो है एन माइनस वन का क्यूब, इसमें लिखा है माइनस वन पावर एन, यहां से मैंने क्या किया, एक माइनस वन बाहर निकाल लिया, तो यहां पर क्या बचा है, एन माइनस वन। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये यदि आपका वी एन है तो ये वी एन माइनस वन है, तो एन आपको रखना है वन से लेके 102 तक, तो वन रखा तो वी वन माइनस वी नॉट, टू रखा तो वी टू माइनस वी वन, थ्री रखा तो वी थ्री माइनस वी टू एंड सो ऑन, 102 रखा तो 102 माइनस वी 101, तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो टर्म्स बचेगा वो 102 बचेगा माइनस वी नॉट 102, वी एन इसको माना था, तो 102 रख दो तो माइनस वन की पावर 102 वन, तो ये हो जाएगा 102 का क्यूब, और वी नॉट जीरो रख दिया तो जीरो। सो ये आपका समेशन आ गया, अब इसको जिससे भी डिवाइड करना है कर दो। ठीक है, ओके।